नमस्ते प्रणाम जय माता दी। न्यू ब्लॉक में आप सभी का मैं करता हूँ हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। और आज आप सभी थंबनेल देख करके ही आपको पता लगा हो गया कि एसडीएम पत्नी ने दिया पति को धोखा। एसडीएम पत्नी ने दिया पति को धोखा। देखिए ब्लॉक में और मेरा राय, मेरी सलाह और मेरी सोच क्या है आप ज़रूर देखिए। और आपकी राय, आपकी सोच क्या आप मिलान करती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आप सभी को बता दूं कि दिल्ली का मौसम आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। धूल भरी आंधी हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल घनघोर बादल छाए हुए हैं, बरसात के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। और आप सभी को तरोताज़ा मैं दिल्ली के हालात बता रहा हूँ कि इस समय दिल्ली में बिल्कुल घनघोर बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है और बाहर निकलने लायक नहीं है। जो भी मेरे भाई मेरे बहन दिल्ली से हैं आप घर पर और दिल्ली में मार्केट जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वो बहुत सोच समझ करके जाइए। हो सकता है कि बरसात कभी भी चालू हो सकती है। और देखिए यहाँ का मौसम कितना सुहाना है। मौसम तो हवा तो चल रही ठंडी ठंडी, लेकिन धूल उड़ रही बराबर। और मुझे भी कहीं जाना है, मैं रोड के नज़ारा दिखा रहा हूँ आप सभी को। ये 3 वृक्ष जो लगे हैं अशोक के, इसको मैंने अपने हाथों से लगाया हुआ है। इस फैक्ट्री को बनवाते समय भी कुछ दिन पहले 1 साल के पेड़ हो गए हैं, ये अभी बढ़ नहीं रहे हैं। इसमें रीजन पता नहीं क्या है, मिट्टी का परिवर्तन है शायद, मिट्टी सही नहीं है, इसी वजह से मेरे पेड़ बढ़ नहीं रहे हैं। और ये है मेरी फैक्ट्री के बाहर का लोकेशन जहाँ मैं जॉब करता हूँ। आप सभी को जैसा कि नॉलेज है कि मेरी जॉब जो है वो प्राइवेट जॉब है। तो आज मैं आया हूँ फैक्ट्री। देखिए बादल काले छाए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बादल काले छाए हुए हैं और हवा चल रही है। आप देख सकते हैं हवा की रफ्तार जो है मज़े की तेज़ है। और मुझे जाना है मार्केट। मार्केट आज क्या लेने जाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है नगर मोथा, जो मोथा बोलते हैं हमारे गांव में। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का विषय जो थंबनेल पर लगा है, आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, उस पर भी मैं बात करूंगा और खुल करके इस चीज़ को मैं बोलूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग इसको वीडियो बना करके और हवा में उड़ा रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं बेटियों की ज़िंदगी पढ़ाओ और बीबी मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बीबी मत पढ़ाओ वरना वो फरार हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे सामने हरि दर्शन फैक्ट्री है, जो अगरबत्ती की फैक्ट्री है, आप सभी के मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। तो वो फैक्ट्री जो है, वो कंपनी जो है दिल्ली के में ही स्थित है, पटपड़गंज में। और वो मेरे फैक्ट्री के जस्ट सामने स्थित है, आमने सामने दोनों लोगों की फैक्ट्री है। सामने ही हरि दर्शन है, मेरे जस्ट सामने हरि दर्शन फैक्ट्री पड़ती है, जो कि अगरबत्ती हरि दर्शन अगरबत्ती आप सभी के मार्केट में उपलब्ध हैं। और यहाँ पर है ये रोड, रोड के ऊपर खड़ी हैं गाड़ियाँ, चूँकि हवा बहुत तेज़ हो चुकी है, बादल छाए हुए हैं, मुझे भी निकलना है बाहर। और मैं आज मैं दिखाऊंगा कि मैं लेने क्या जा रहा हूँ। जाऊँगा मैं चांदनी चौक और देखिए मैं तैयार हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ बाहर निकलने के लिए। लेकिन फंस चुका है मैटर, मौसम ख़राब है। मैं मौसम का देखिए मेरे आंखों में कितनी धूलें पड़ रही हैं। मौसम ख़राब होने के कारण मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूं कि मौसम थोड़ा सा अगर डाउन पड़ता है, हवा डाउन पड़ती है तो मैं निकल जाता हूं, और नहीं तो फिर वेट करता हूं, क्योंकि वेट करना ही अच्छा है। बाहर निकल करके कहीं रुकने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, हवा तेज़ हो गई तो आँखों में धूल मिट्टी भरने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि एक बार मेरी आँखों में धूल पड़ चुका है और मैं परेशान हो चुका हूँ, उसकी दवा मैं काफ़ी कराया हूँ और फिर जा करके मैं ठीक हुआ हूँ। तो ब्लॉक में बने रहिए, ब्लॉक को लास्ट तक देखिएगा। और इस चर्चा पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मेरी माताएं, कोई भी बहनें, कोई भी भाई जो ये वीडियो बना रहे हैं कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ये बात गलत है, मेरी समझ से बाहर है। किसी की घर की बेटी ही बहू बनती है और वही बहू कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद चल करके सास बनती है। वही बेटी जो है माँ बनती है, वही बेटी बहू बनती है, वही बेटी सास बनती है। तो ऐसा कुछ अपने दिल में आप धारणा मत रखिए। आप बीबी को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए। बेटी ही किसी की बीबी है और बीबी भी किसी की बेटी है, है तो बेटी ही, सोचा जाए तो है तो बेटी ही। सब बेटियां, सब बहुएं एक जैसी नहीं हैं। और यह है मेरी फैक्ट्री के अंदर का लोकेशन। यहाँ पर मेरी मशीनें रखी हैं जो कि, और यह देखिए मेरी फैक्ट्री के अंदर का गेट है। यह है मेरी बसंती, जो कि ये भी इंतज़ार में बिल्कुल रेडी तैयार है। इसमें लगा हुआ है हेलमेट, सिर्फ चाबी मारना है और बैठना है, निकल देना है मुझे। तो मुझे जाना है आज कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास, आगे चल करके एक सामान लेने
कार का i20 का, उस पार्ट्स को मैं लेने जाऊंगा। और एसी नहीं चल रही हो, एसी का पार्ट्स है, ये है मेरा एंटीना, एंटीना भी मेरा उड़ रहा है, इसको मैं संभाल रहा हूँ, इसमें गट्ठी नहीं मारा हूँ। एंटीना उड़ता रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा काम करता है दिमाग, एंटीना अगर बंद हो जाता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। आई खुद दादा, एंटीना रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको नेटवर्क पकड़ाना है तो। जिस प्रकार से आप टावर ढूंढते हैं वही प्रकार से ये मनुष्य का, जो हमारे धर्म में, जो हमारे संस्कृति है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सभ्यता है, उसमें ये एंटीना होना बहुत ज़रूरी पाया जाता है। ये हमारे ख़ानदानी है ये एंटीना, तो आप सभी भी ज़रूर रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फिर आगे बता। मैं निकलता हूँ लेकर के गाड़ी और आप सभी को दिखाता हूँ आगे का दृश्य, बने रहिए। मैं निकल चुका हूँ, मौसम थोड़ा सा साफ हो चुका है और मैं धीरे धीरे पहुँच रहा हूँ कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट की तरफ ये देखिए, वहाँ का रोड का नज़ारा है, बहुत प्यारा नज़ारा है। एक तरफ मेरी गाड़ी चल रही है घूमते हुए कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ जा रहा है, जहाँ पर बस अड्डा है। गाड़ी की स्पीड है हमारे 34 यानी 34, और यहाँ से मैं निकलता हूँ आगे। आगे मैं दिखाता हूँ आपको कश्मीरी गेट का बस स्टॉप, जो अंतर्राष्ट्रीय बस स्टॉप है, वहाँ से मैं निकल करके और फिर पहुँचूँगा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन के अंदर से जा करके मुझे जहाँ पर पार्ट्स लेना है वहाँ पर मैं पहुँचूँगा। तो आप सभी बने रहिए ब्लॉक में, क्योंकि मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना सुहाना, कि जीना लगे साथिया मैंने माना, कि जीना लगे साथिया मैंने माना, कि दिल ना लगे। मैं यहाँ से निकल चुका हूँ आगे को, साइड में मेरे क्रॉस हो गया, जहाँ पर भीड़ थी वही है कश्मीरी गेट का बस स्टॉप। बने रहिए साथ में ब्लॉक में, ब्लॉक को पूरा देखिए। तड़कता भड़कता हुआ तड़का आप सभी के बीच में मैं लेकर के आ जा चुका हूँ। आज का ब्लॉक बिल्कुल तड़कता भड़कता तड़का है, और लोगों को जो भ्रम क्रांतियाँ फैला रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहना, मैं उनसे अनुग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, विनती करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप ऐसी भ्रम क्रांतियों को मत फैलाइए। एक मछली मरती है तालाब में, पूरे तालाब के पानी को गंदा करना हो जाता है, ये मैं मानता हूँ। एक मछली के मरने से पूरे तालाब का पानी गंदा नहीं। ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ वो सामान, एसी का, कार की एसी का सामान लेना था, जो पारसी है ऑयल है, जो कि गैस को अब प्रार करती है। और मैं दिखाया आपको, मैं आगे फिर दिखाता हूँ ब्लॉक में, बनी रहिए पूरा देखिए भ्रम क्रांतियों। तो मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा न करते हुए छोटे में ही मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सभी अपनी बेटी पढ़ाइए, बहू पढ़ाइए। बेटी ही बहू बनती है और बहू ही सास बनती है, माँ बनती है। तो ऐसे भ्रम क्रांतियों में मत पढ़िए, अपनी बेटी को पढ़ाइए, बहू को पढ़ाइए, चूँकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। ये है मार्केट, सब एक जैसे, कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी माँ और कोई भी सास या कोई भी भाई एक जैसे नहीं होता है। अपने अपने विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी थिंकिंग, वो अलग अलग होती हैं। तो उसी प्रकार से हैं। अब उसको लगा होगा कि मैं SDM हूँ और पति मेरा सफाई कर्मी है, तो अगर मैं उसके साथ में चलूँगी बैठूँगी तो मेरी इज्जत, मेरी क्रेडिट, मेरी वैल्यू घट जाएगी। इसलिए उसने कदम उठाया होगा, या जो भी वो किया उसने गलत तो किया ही है, ये तो सत्य है, गलत गलत है। जो भी किया उसने बहुत सारी बहनों के ऊपर धब्बा लगा करके और उन्होंने कदम उठा लिया, बहुत सारी बहनों और बहुत सारी बेटियों की। इसमें लोग डरेंगे कैसा ना हो कल के धोखा हो जाए और सारी मेहनत, सारी पैसा, सारा सब कुछ मेरा चला जाए पानी में, तो सोचेंगे विचारेंगे। लेकिन सोचने की विचारने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सभी बेटी को पढ़ाइए, बहू को पढ़ाइए, आगे पढ़ाइए, जब पढ़े रहेंगे तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ब्लॉक को यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।